जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरटी सेंटर नासिक में इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती आपका होने वाला है, तो उसमें आपका एज कट ऑफ क्या होगा, वहाँ पे एज मतलब की छूट दी गई है या नहीं दी गई है। इस वीडियो में आपके साथ पूरा मतलब एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो ये रियलिटी है, आपका एज का इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि एज का आपका क्या कट ऑफ होने वाला है ऑल ट्रेड वाई के हिसाब से। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आपका सोल्जर जीडी, यहाँ पे आपका कौन कौन से ट्रेड की भर्ती चलेगा, जीडी का सोल्जर टेक्निकल का और सोल्जर ट्रेड्समैन का। तो सोल्जर जीडी के लिए जो और सोल्जर एसएच जीडी के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट का आपका शो किया जा रहा है, मतलब कि एज का जो कट ऑफ शो किया जा रहा है, वो आपका अपर एज लिमिट नोट बिफोर 15 दिसंबर 2000, मतलब कि आपका 15 दिसंबर 2000 से आपका पहले नहीं हुआ होना चाहिए जन्म। दूसरा आपका है लोअर एज लिमिट नोट आफ्टर 15 जून 2004, मतलब कि आपका 15 जून 2004 के बाद से आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि आपका एज लिमिट होना चाहिए सोल्जर जीडी और सोल्जर एसएचजीडी के लिए, एज लिमिट आपका होना चाहिए 15 दिसंबर 2000 से लेकर आपका होना चाहिए 15 जून 2004 के बीच में। ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि है तो आप इसके लिए योग है, इस भर्ती में जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्जर टेक और ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि इसका एज ही मतलब इसका एज जो होता है वो सेम होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सोल्जर टेक और ट्रेड्समैन के लिए एज लिमिट अपर एज लिमिट नोट बिफोर 15 दिसंबर 1998, मतलब कि आपका पहले नहीं हुआ होना चाहिए जन्म आपका पहले नहीं हुआ होना चाहिए कौन सा डेट में, 15 दिसंबर 1998 से पहले। और आपका लोअर एज लिमिट भी आपका नोट आफ्टर 15 जून 2004। सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि 15 दिसंबर 1998 से लेकर आपका 15 जून 2004 के बीच में, ये दोनों डेटों के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए, तब आप इसके लिए योग है। ये आपका एज कट ऑफ था। ऐसी ही रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, हम फिर नेक्स्ट